अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक नया ब्रेकिंग न्यूज आ गया है जो कि बूस्टर डोज को लेकर थर्ड वैक्सीन। अब ये जो थर्ड वैक्सीन है ये आप सभी को जितने भी सऊदी में रह रहे हैं सबको लगाना जो है लाजिम हो गया है। जिसकी भी एज 18 या 18 साल से ज़्यादा है उन सबको ये बूस्टर डोज अब लेना ही होगा। और ये रूल जो है 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट भी होने वाला है, तो इसके बारे में आपको पूरा बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पुराना रूल था वो क्या था। यहाँ पे पुराना रूल था कि आपको जैसे ही आप फर्स्ट डोज लेते थे तो आपके तवक्कलना पे इम्यून शो होता था। उसके बाद आपको 90 डेज का टाइम रहता था। 90 डेज के अंदर में अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया तो यहाँ पर फुल्ली इम्यून आपको लिख देता था। और अगर आपने 90 डेज़ के अंदर में सेकेंड डोज नहीं लिया तो यहाँ पे आपका इम्यून स्टेटस भी हट जाता था, ख़त्म हो जाता था, ये आपको पता है। और जैसे ही आप लेते थे तो यहाँ पे इम्यून आपको दिखा देता था। तो यहाँ पे कुछ इसी के रिलेटेड ये भी अपडेट यहाँ पे आया है। बूस्टर डोज जो है आपको 1 फरवरी से लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें बात क्या है कि आपका अगर जैसे ही आपने सेकेंड डोज लिया उसको 6 महीना हो जाना चाहिए। अगर 6 महीना हो गया है तो आपको जो है बूस्टर डोज लेना है। और बूस्टर उसके बाद बूस्टर डोज लगाने का जो यहाँ पे भी टाइम है कि 8 महीना, अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है उसके बाद आपको 8 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर इस 8 महीने के अंदर में आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो आपका इम्यून स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये 8 महीना कब से होगा, यानी कि 6 महीना तो होगा, 6 महीने के बाद से आपको स्टार्ट हो जाएगा लगना। जैसे ही 6 महीना होता है उसके बाद से आप लगा सकते हो बूस्टर डोज, क्योंकि यहाँ पे जो है वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो होता है आपका इम्यून सिस्टम वो 6 महीना तक ही होता है। कोई वैक्सीन अगर आप लेते हो तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक रहता है। तो आपको पता है कि नया कोरोना वायरस का केस आने लगा है, इसलिए यहाँ पे बूस्टर डोज अब कंपलसरी कर दिया गया है, ये आपको लगाना ही है। तो आपको जो है 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि इस 2 महीने के बीच में आपको जो है बूस्टर डोज लगवा लेना है। तो आप लोग को ये बूस्टर डोज लगा ही लेना। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं लगाते हो तो सेम उसी तरह का पहले तरह का बैन आ जाएगा, आप यहाँ नहीं जा सकते हो यहाँ, तो क्योंकि तो कल ना चेक होगा, अब कहीं भी नहीं जा पाओगे अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया। तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप छुट्टी जाने वाले हो तो आप चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से बूस्टर डोज नहीं लेके गए, और लेके नहीं गए तो उसके बाद आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से पाबंदी लग जाए। जिसने बूस्टर डोज नहीं लिया होगा उसको नॉर्मल जो है फ्लाइट नहीं मिलेगी, उसको क्वारंटाइन ये वो हो सकता है। तो इसलिए आप अपना चेक कर लो कि अगर आपको 6 महीना हो गया है तो आप बूस्टर डोज लगा कर ही जाओ। 6 से 8 महीना, ये 6 महीना हो गया तो लगा के जाओ, क्योंकि आप छुट्टी जाओगे 2-3 महीना रहोगे तो आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आने के टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर आप बूस्टर डोज लगा लेना, इसलिए बोलता हूँ, अभी नया नया हर रोज़ रूल चेंज हो रहा है, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट आती है आपको मैं बताता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।